नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। दिल्ली से चकराता घूमने आए उपनिदेशक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दर्शन डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की घटना होना अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि जौनसार बावर क्षेत्र एक आवभक्त क्षेत्र है जहां पर मेहमान नवाजी को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। जिसे देखते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। विकास नगर से संवाददाता महेश रावत की ये रिपोर्ट। डोभाल जी, आपसे एक सवाल है कि चकराता क्षेत्र में जौनसार बावर के अंदर जो आता है, ये कोरवा गांव के निकट जो कल परसों जो घटना घटित हुई है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। और हमारा जौनसार क्षेत्र जो कि मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और संस्कृति में जिसका एक पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में जिसका नाम है, एक जहाँ की एक अलग संस्कृति है, लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और अब जब पर्यटन को भी इतना अभी बढ़ावा मिल चुका है, काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उस जगह उस शांतिप्रिय क्षेत्र में ऐसी घटना होना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। और हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि जौनसार में जो ये घटना अभी घटी है कुरवा के पास में, इसमें देखिए सबसे अद्भुत बात, अलग बात यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, ऐसा कहा गया है कि इसमें जो हमलावर हैं वो भी वहाँ के लोकल थे और जिन पर हमला हुआ है वो भी जौनसारी थे। तो हमने आज से पहले कभी भी इस तरह का गुंडा राज जौनसार बावर में नहीं देखा है, ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखी है। तो अगर वास्तव में ऐसे लोग पनप रहे हैं जौनसार के अंदर, तो इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समाज को नहीं तो बहुत हमारे समाज को नुकसान पहुँचेगा। और जो अभी थोड़ा बहुत पर्यटन बढ़ा है कुछ सालों से, इसके लिए बहुत भारी नुकसान होगा, लोग हमारे यहाँ आना बंद कर देंगे। तो ये अभी इस पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। और अंकुश लगाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस ने भी अपना काम बखूबी निभाया, बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन उन्हें इसके बाद एक बहुत सख्त सज़ा मिले, और सज़ा मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं होगा, इसमें कुछ योगदान समाज को भी करना होगा। समाज का ये फर्ज है कि अब ऐसे दुष्टों को, ऐसे राक्षसों को, इनको एक ऐसी बंदिश लगाई जाए, इनका सामूहिक सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तब जा करके इनको जो है इनकी अकल ठिकाने आएगी और लोगों को एक संदेश जाएगा कि इस तरह की घटना से क्या अंजाम मिलता है, ये हम सबको करना होगा।